हेलो। चलो अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, इसके आगे से एक्सपेरिमेंट टू से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जनरेटिंग स्टेट्स। वो कह रहा है जब आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो जनरेटिंग स्टेट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो प्रोड्यूस प्रूव आपको करना चाहते हैं कि CO2 हमारा प्रोड्यूस होता है। फिर कैसे प्रूव होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। टेक टू फ्लास्क ANB ले लिए, प्लेस सम वेट कॉटन वूल एट द बॉटम ऑफ इस फ्लास्क। रख दिए कॉटन वूल भी, रख दी दोनों में, ठीक है। सोक द सीड्स इन फ्लास्क के, अच्छा फ्लास्क ए में सोक द सीड्स डाले हैं, है ना। सोख रहे हैं ये सारे सोख, और फ्लास्क बी के अंदर करा लें इक्वल नंबर ऑफ बॉइल्ड सीड्स आर प्रेजेंट फ्लास्क बी, यानी एक में सोख लें एक में बॉइल्ड हैं, बॉइल्ड मतलब जो डेड हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलिटल एंटीसेप्टिक इज एडेड टू फ्लास्क बी टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन डेड सीड्स। फ्लास्क बी पहले की तरह हमने करा रहा है, वो एंटीसेप्टिक डाला है, ठीक है। विच वुड अदरवाइज रेस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नहीं तो क्या करेगा, रेस्पायर करेगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्लास्क आर सिक्योरली कॉर्क्ड, इनको कॉर्क से बहुत टाइटली क्लोज कर दिया जाता है, एंड लेफ्ट इन सिमिलर कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। और दोनों वो सेम कंडीशन में छोड़ दिया जाता है अ फ्यू डेज लेटर। The seeds in flask A will be found to have clearly germinated and those in flask B, so no signs of any germination। वो कह रहा है flask A के अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे germinate हो चुके होंगे, लेकिन B में देखोगे तो कोई भी साइन नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि कुछ सर ग्रो हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एज दे आर डेड, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हैं, डेड थोड़ी भी बार से ग्रो हो पाएंगे। फिर कह रहा है द गैसेस इन इस फ्लास्क आर देन टेस्टेड बाय रिमूविंग द कॉर्क। अब इनके कुछ ना कुछ गैस बनी होगी, अब उनको टेस्ट कैसे करोगे, बाय रिमूविंग द कॉर्क, कॉर्क को हटाकर एंटरिंग द फ्लास्क वर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, और फ्लास्क को थोड़ा सा हिलाओ, किसके ऊपर, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर। टेस्ट ट्यूब कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर लाइम वाटर होना चाहिए, ताकि लाइम वाटर क्या कर सके, CO2 को एब्जॉर्ब कर सके। एंड देन शेकिंग अप द टेस्ट ट्यूब, और बाद में टेस्ट ट्यूब को हिलाना। द एक्सपेक्टेड गैस कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन एयर वुड फ्लो डाउन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो सर ऑक्सीजन तो पहले बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे रह जाएगी, है ना, इनटू द टेस्ट ट्यूब वो नीचे ही रह जाएगी, ठीक है। द गैस फ्रॉम फ्लास्क ए वुड टर्न द लैम वाटर मिल्की, और जो ए में से तो गैस निकली है उससे लैम वाटर कैसा बन जाएगा, मिल्की कलर का बन जाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस समय प्रूव हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेसिकली CO2 को प्रॉपरली डिफाइन कौन कर रहा है, जैसे CO2 हमने लाइम वाटर में मिलाया, लाइम वाटर में मिलाया, वो कैसा हो गया, मिल्की बन गया, मिल्की बन गया। वाइल द गैस इन फ्लास्क बी विल सून अफेक्ट, गैस बी की गैस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर फॉर द कंक्लूजन इज दैट जर्मिनेटिंग सीड्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जर्मिनेटिंग सीड्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्रूव हो गया। एंड ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट, वो कह रहे हैं आपको सेम चीज़ जाननी है तो इसके लिए हम ये वाला तरीका क्यों लगाए, कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं लगाते हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं सिमिलर मोर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन जनरेटिंग सीड्स।
is arranged as shown in figure 7.4. Okay. वो कहने ऑल्टरनेटिव शॉर्ट तरीके की ये तरीका जो हो सकता है इसमें आने का, अब हमने इसे समझाया है, ठीक है। कैसे समझाया, कैसे समझाया है? द एयर ड्रॉन इन कॉनिकल फ्लास्क इज क्लियर ऑफ एनी CO2 प्रेजेंट इन इट। वो कह रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको मेरा ए, क्या कह रहा है? द एयर ड्रॉन इन कॉनिकल फ्लास्क इज क्लियर ऑफ एनी CO2 प्रेजेंट इन इट। ये को पढ़ने दे रखी है खबर। द एयर ड्रॉन इन कॉनिकल फ्लास्क इज क्लियर ऑफ एनी CO2 प्रेजेंट इन इट। द क्लियर लाइम वाटर इन फ्लास्क बी कंफर्म दैट एयर एंटरिंग फ्लास्क इज CO2 फ्री। द लाइम वाटर इन फ्लास्क बी टर्निंग मिल्की So that the source of CO2 was only the generated CO2. Okay. देखो क्या क्या है, समझते जरा इस प्रोसेस को, जो वहाँ पे लिखा है उसको मैं समझा पहले, यहाँ पे जो है वो समझो। सर ये कहीं से एयर आ रही है, इसमें आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ गैस बनेगी, यहीं पर CO2 भी बनेगी, यहीं पर CO2 भी बनेगी, ठीक है, थोड़ी सी। और यहाँ से थोड़ी सी गैस कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, लाइम वाटर है, लाइम वाटर का थोड़ा सा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा जर्मिनेटिंग सीड से। जर्मिनेटिंग सीड से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइम वाटर है, यहाँ पर ऑलरेडी लाइम वाटर है, जब लाइम वाटर से अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मिल्की वाटर बन जाएगा, ये मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एयर ड्रॉन इन कॉनिकल फ्लास्क इज क्लियर ऑफ एनी CO2 प्रेजेंट इन इट। जो एयर है इसके अंदर वो CO2 से बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई भी CO2 नहीं है, सारी डिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और जो फ्लास्क भी है उसके अंदर बहुत साफ लाइम वाटर है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि एयर एंटरिंग इनटू फ्लास्क इज CO2 फ्री। जो ये एंश्योर कर रहा है कि एक यहाँ पर CO2 है नहीं, थोड़ी सी भी है तो वो यहाँ पर आके साफ हो जाएगी, ठीक है। ये एंश्योर कर रहा है कि बी में से जो सी में गैस जाएगी वो CO2 फ्री जाए, CO2 फ्री जाए, ठीक है। एंड द लाइम वाटर इन फ्लास्क डी टर्निंग टर्निंग में मिलकर प्रूव्स दैट द सोर्स ऑफ CO2 वाज ओनली जनरेटिंग शीट्स। सर यहाँ पे तो यहाँ तक तो कोई CO2 आई ही नहीं, लेकिन यहाँ पर CO2 आ गए, इसका रीजन क्या हो सकता है सर? इसका रीजन ओनली ये हो सकता है कि जर्मेटिक सीड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रूव हो सकता है, वो क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। सेटअप एंड अपार्टस, ठीक है, पूरे सिस्टम रेडी करो, ठीक है। यूजिंग अ स्मॉल पॉटेड प्लांट सदा जर्मेनियम जेरेनियम द बेल जार शुड बी प्लेस्ड ऑन अ ग्लास शीट, ऑन अ ग्लास शीट एंड इट्स रिम एज वेल एज अदर कनेक्शन शुड बी गैस बेस लाइंड टू मेक देम एयर टाइट, ठीक है। बताते हैं क्या लिखा हुआ, द आउटसाइड एयर इज ड्रॉन इन टू द पार्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ एयर पंप। This air passes through the soda line. It absorbs the oxide present in the incoming air, and the lime water flask through which it passes will not turn milky.
As the air leaves the bell jar and passes through another sample of lime water, the carbon dioxide present in it would turn the lime water milky. The carbon dioxide present in it would turn the lime water milky. It is necessary that this experiment is carried out in the dark, or the bell jar is completely covered by a piece of black cloth to prevent photosynthesis. ओहो, नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगी धूप की लाइट पड़ी तो, है ना? धूप पड़ी तो थोड़ी सी भी सनलाइट तो रेस्पिरेशन तो फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा, ठीक है? क्या बेसिल कहना चाहता है इसमें? नहीं, आपको पहले पिक्चर समझा दो, बाद में आपको समझने में इजी रहेगा, थोड़ा सा रेड करने। वो कह रहा है एक बेल जाल लो, उसके अंदर एक जर्नेनियम जेरेनियम नाम का प्लांट लगाओ। तो बेल जाल ले लिया, जेरेनियम लगा लिया, जेरेनियम प्लांट लगा दिया, इसको कवर कर दे कि बाहर से एयर आ ही ना सके। आए तो सिर्फ यहाँ से आए और यहाँ से जाए, ठीक है? ठीक है, अब क्या होगा? देखो, ये जो जगह है, इसी जगह है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस बनेगी, कुछ ना कुछ गैस बनेगी, हमें नहीं पता क्या बनेगी। ये तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर CO2 बनेगी, पर आप ये कह नहीं सकते क्या क्या गैस बनेगी, ठीक है? ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम से यहाँ पे थोड़ा सा लाइम वाटर बनता है सोडा लाइम से, ठीक है? जिससे इस जार के अंदर ऑलरेडी जो ऑलरेडी इस जार के अंदर जो भी हवा गैस होती है वो CO2 फ्री हो जाती है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी CO2 होगा अगर यहाँ पर, तो ऑलरेडी लाइम वाटर ने ना क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है? तब यहाँ से हवा जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी एयर जाएगी यहाँ पर, तो ये जो एयर जाएगी ना, ये डोंट वरी, ये बिल्कुल CO2 फ्री जाएगी, CO2 फ्री जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से ये हवा यूँ जाएगी। अब यहाँ पर ये हवा जाकर ना लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है, पता नहीं कैसे। यहाँ से जो हवा जाती है वो यहाँ पर आकर क्या कर देती है, इसको लाइम वाटर में चेंज कर देती है। इसका मतलब कि ये जो जहाँ पे हवा बन रही है, यहाँ पर जो हवा बन रही है, उस हवा के अंदर CO2 है, आया ना? इस हवा के अंदर CO2 है, यहाँ तो इसे प्रूव हो जाता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बस ध्यान रखना, अगर आप वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अंधेरे में कर रहा है, ऐसे ब्लैक क्लॉथ से कवर करके इसको रखना, ठीक है? अदरवाइज फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो गया तो क्या दिक्कत होगी? तो कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रही है वो फिर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी, वो खाना बनाने में यूज हो जाएगी। वो किस चीज़ में यूज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने में। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट इज इवॉल्विंग ड्यूरिंग, आपको प्रूव करना है कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। थर्मोफ्लास्क, टेक टू थर्मोफ्लास्क एंड मार्क देम ए एंड बी। दो थर्मोफ्लास्क लो और दोनों को ए और बी मार्क करो, ठीक है? कर लेंगे अभी। टेक और 30 ग्राम्स ऑफ पी एंड बीन सीड्स एंड सोक्ड एंड सोक देम इन वाटर फॉर मोर देन 24 आवर्स। या तो पी के बीन के सीड्स को उनको पानी में भिगोए रखो, 30 ग्राम लेने, उनको पानी में भिगोए रखो कम से कम 1 दिन, है ना? डिवाइड सीड्स इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, दोनों सीड्स को दो इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दो। किल वन ग्रुप ऑफ सीड्स फॉर बॉइलिंग, दे एक सीड को मार दो, कैसे? उसको बॉईल करके, एंड देन वॉश देम विद अ डाइल्यूट फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल डिके। और उसको थोड़ा एक तरह के केमिकल से साफ कर लो ताकि उसमें और ज़्यादा बर्बादी ना हो, है ना?
पुट द लाइव जनरेटिंग सीड्स, पुट द लाइव जनरेटिंग सीड्स इन फ्लास्क ए, उन जिंदा वालों को फ्लास्क ए में डालो, एंड द किल्ड वंस इन फ्लास्क बी, अब जो डेड हो चुके हैं उनको फ्लास्क बी में डालो, ठीक है। इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन इस फ्लास्क, दोनों फ्लास्क में डाल दो थर्मोमीटर डाल दो, एंड प्लग देयर माउथ विद कॉटन वूल, और दोनों के माउथ को बंद कर दो है ना कॉटन वूल से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द थर्मो फ्लास्क इन फ्लास्क ए, द थर्मोमीटर इन फ्लास्क ए विल शो अ हाई रीडिंग, जो फ्लास्क ए के अंदर थर्मोमीटर रखा होगा उसकी रीडिंग थोड़ी इंक्रीज हो चुकी होगी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि फ्लास्क ए के अंदर हीट एनर्जी बन रही है, और हीट एनर्जी कहाँ से बन रही है, जनरेटिंग सीड्स की वजह से, ठीक है। थर्मोमीटर इन फ्लास्क बी विल नॉट शो अप एनी राइज इन टेम्परेचर, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी वाला प्रोड्यूस हो गया, वो प्रूव हो गया। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, टेक 8 to 10 सोक्ड एंड पील्ड पी सीड्स इन अ टेस्ट ट्यूब, लो भीगे हुए छिले हुए पी के सीड्स लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, 8 से 10। फिल द टेस्ट ट्यूब विद मरकरी, ओहो टेस्ट ट्यूब को मरकरी से फिल करना है, इनवर्ट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फिल्ड विद मरकरी, उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में पलट देना है जो कि खुद मरकरी से भरा हुआ है ना। द सीड्स विल बी कम्प्लीटली सराउंडेड बाई मरकरी, द सीड्स पूरी तरह से मरकरी से कवर्ड हो जाएंगे चारों तरफ से। आफ्टर अबाउट 2 डेज द लेवल ऑफ मरकरी इन टेस्ट ट्यूब विल फॉल, सो जो लेवल होगा ना मरकरी का वो थोड़ा गिर जाएगा, एंड द लिबरेटेड गैस विल बी फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस वहाँ से निकलेगी वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी सर, निकल तो ऑक्सीजन भी है ना थोड़ी सी, हाँ केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन यहाँ पर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्ट ट्यूब इंट्रोड्यूसिंग स्टिक ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू द टेस्ट ट्यूब, वो कह रहा है सी ट्यूब के चेक कैसे कर सकते हो, एक इस तरह से आप टेस्ट करके भी कर सकते हो, विच विल फ्लोट अप थ्रू मरकरी, जो कि मरकरी के थ्रू फ्लोट करते रहेगी, एंड ऑन कमिंग इनटू कॉन्टेक्ट विद गैस विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लेवल ऑफ मरकरी विल अगेन राइज। आप कार्बन डाइऑक्साइड को तो मरकरी डाइऑक्साइड कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेगा, और उससे उसका जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। सिमिलर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कुड बी सेट अप व्हिच द सीड्स में भी कैप्ट आफ्टर किलिंग देम बाय हीटिंग एंड स्टरलाइजिंग देम विद सम एंटीसेप्टिक, वो कह रहा है सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें भी आप क्या करते हो, सीड्स को भी रख सकते हो, लेकिन उनको रखना लाइव नहीं है, उनको लाइव नहीं रखना, उनको डेड रखना है, उनको डेड रख सकते हो और एंटीसेप्टिक वगैरह डाल सकते हो ताकि कोई और आगे प्रॉब्लम ना आए। तो और ऐसे केस में देखो कि नो गैस विल बी लिबरेटेड इन द कंट्रोल, और उस कंट्रोल सेटअप में ना कोई भी गैस नहीं निकल रही होगी, तो सब चला कि जनरेटिंग सीड्स होते हैं वही गैस रिलीज करते हैं। नोट लिखो, नोट देखो जरा, पीलिंग ऑफ द सीड कोट ऑफ जनरेटिंग सीड्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द टेस्ट ट्यूब में हैसन द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सीड ट्यूब, कह रहे हैं अगर आप किसी जनरेटिंग सीड्स को अगर डिफ्यूज करके वो पील करके रखते हो, छील कर रखते हो, तो उनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ सकती है, उनके CO2 को डिफ्यूज करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन द सीड्स टेकन एज कंट्रोलर बॉयल्स, बाय ट्राई कर दो, ट्राई करना। रेस्पिरेशन कॉन्ट्रास्टेड विद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा रिलेशन आप समझो, है ना। इन मेनी रेस्पेक्ट्स रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर डिस्टिंक्टली अपोजिट प्रोसेसेस, वो कह रहे ये बिल्कुल ही अलग अलग प्रोसेस होती हैं, आपको ही पता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर एंड देयरफॉर द देयर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ओहो ठीक है लाइन लिख दी, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर, वो कह रहे हैं एक के रिक्वायरमेंट दूसरे का और दूसरे का
आउटपुट है, मतलब एक चीज़ से जो निकलता है ना वो दूसरी चीज़ में यूज़ किया जाता है, यानी कि सर रेस्पिरेशन में जो निकलता है CO2 वही तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दिस इज द रीजन वाई वी कैनॉट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट प्लांट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। ये दिक्कत है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते प्लांट के रेस्पिरेशन पर ड्यूरिंग डे टाइम, लाइट एंड लाइटमेंट हम नहीं कर सकते। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इज गिवन इन टेबल 7.2, बिकॉज जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है। इन द डिफरेंस बिटवीन 10.2 देर आर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड कैन इमेज इट आउट। ओके, एक आपको ऐसे दे रहे हैं कि जो क्लियर डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस क्या आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो? पहले पढ़ तो नहीं वाले। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, ये हर तरह के सेल्स में हो जाता है रेस्पिरेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल उसी ऑर्गन में उसी सेल्स के अंदर होगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अकर्स एट ऑल टाइम्स, यूज CO2 इन वाटर, यूज ऑक्सीजन ग्लूकोज, ऑक्सीजन इज एन एंड प्रोडक्ट और कार्बन इज रिलीज एन एंड प्रोडक्ट, ये तो सेम ही हो गया। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, लाइट को केमिकल में चेंज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और यहाँ पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी के अंदर। रिएक्शन गेन इन वेट, फोटोसिंथेसिस से वेट थोड़ा बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन से वेट थोड़ा हल्का हो जाता है। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर फूड ग्लूकोज बनता है और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वहाँ पर फूड ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ये था 5 डिफरेंस जो मेरे को लगते हैं क्लियर वाले, तो पहला, दूसरा, तीसरा भी कह सकते हो, चौथा भी कह सकते हो, सिक्स्थ भी कह सकते हो, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट्स से कंपेयर्ड विद एनिमल्स विद रेस्पिरेशन एनिमल्स, थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन एनिमल्स में कंपैरिजन कैसे कैसे होता है। द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिक एस्पेक्ट हैं रेस्पिरेशन के वो तो सेम ही है। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस इन रेस्पिरेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जरा उनको देखते हैं। एग्जाम्पल, इन प्लांट देयर इज नो गैसेस ट्रांसपोर्ट, द रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूजन एंड आउट बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन, इन एनिमल्स द ब्लड ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस। वो कह रहे हैं प्लांट्स के अंदर गैस को ट्रांसपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये तो एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाती है और दर उधर चली जाती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड सिस्टम होता है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड गैस को दर उधर ट्रांसपोर्ट करता है। वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स इज एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इन प्लांट द प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ लिटिल हीट एज कम्पेयर टू एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम होती है, एनिमल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है। बस खत्म। चलिए, तो आपको होमवर्क है, ये चैप्टर भी आपका खत्म है ना। अब आप ट्राई करना जितना आपको बताया, आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, तो जितना बताया वो गया है, उतना ही लिखो, ठीक है। ठीक है, ओवर करते हैं ना।